गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नमिता शुक्ला दीक्षित स्वागत करती हूँ आपका एजुकेशन चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक में। हमारा एक टॉपिक चल रहा था जनसंख्या, उसमें कुछ फैक्ट्स बाकी थे, अपन उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक है वित्त आयोग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो हमारा जनसंख्या से संबंधित एक दो तथ्य जो बच गए थे अपन उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए, हम बात करें कि जो हमारी जनसंख्या है, अभी तक हमने बात कर ली थी जनसंख्या के सभी आंकड़े लगभग हमने देख लिए थे, ग्रामीण शहरी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जाति की और अनुसूचित जनजाति की, यदि हम हमारी जनसंख्या में अनुसूचित जाति की बात करें और अनुसूचित जनजाति की बात करें, तो देखिए अनुसूचित जाति जो हमारे है जनसंख्या में जनगणना 2011 की यदि हम बात करते हैं, तो दो चीजें हैं, अनुसूचित जाति। सबसे पहले अपन बात करते हैं हमारे यहाँ पे अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है। तो अनुसूचित जाति का प्रतिशत है हमारे यहाँ पे 16.6%, लग 20.14 करोड़। अगर हम संख्या में बात करते हैं तो कितनी है, 20.14 करोड़ हमारे यहाँ पे अनुसूचित जाति है। अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कहाँ पे पाई जाती है, तो सर्वाधिक अनुसूचित जो जाति है, सर्वाधिक वह न्यूनतम, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की अगर अपन बात करते हैं तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है हमारे यूपी में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है यूपी में और न्यूनतम अनुसूचित जाति पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। तो हमारी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है वो कितना है, 16.6%। कितना है, 16.6% जो है हमारे यहाँ पे अनुसूचित जाति है। अब हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की, तो देखिए अनुसूचित जनजाति जो है उसकी प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं, देखिए तो इससे जस्ट हाफ है, लगभग 8.6%। यहाँ तक आपको बोर्ड दिखाई दे पा रहा है क्या, बोर्ड हाँ दिख रहा है आपको, कितना प्रतिशत हो गया, 8.6%। सर्वाधिक और न्यूनतम की बात करें तो सर्वाधिक है हमारी, सर्वाधिक एमपी, न्यूनतम हरियाणा। अगर हम संख्या में बात करते हैं तो संख्या में है हमारी 10.42 करोड़। ठीक है, अगर हम संख्या में बात करें तो कितनी है, 10.42 करोड़। ये हमारी जनसंख्या में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है। ठीक है, अब हम यदि बात करते हैं, ये हो गया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत की। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो 2011 की जनगणना के अनुसार यदि अपन बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये हमारी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हो गई। इसके अलावा अगर हम देखते हैं जन्म दर, मृत्यु दर के बारे में, जीवन प्रत्याशा के बारे में, हमारी 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो देखिए, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे को जहाँ तक लगता है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बात करते हैं जन्म दर व मृत्यु दर की। ये अभी तक हमारी 2011 की जनगणना के हिसाब से बात कर रहे हैं। जन्म दर मृत्यु दर जो आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो हमारी जन्म दर मृत्यु दर है वो अलग होगी और जनगणना के हिसाब से जो हमारी जन्म दर मृत्यु दर है वो अलग होगी। ठीक है, तो अभी अपन जो बात कर रहे हैं वो जन्म दर मृत्यु दर किसके हिसाब से बात कर रहे हैं, ये अपन बात कर रहे हैं हमारी 2011 की जनगणना के हिसाब से। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं जन्म दर की, तो जन्म दर है हमारी 21 प्रति हजार। कितनी है, 21 प्रति हजार। जन्म दर क्या है हमारी, 21 प्रति हजार जो है हमारी क्या है, जन्म दर है। अगर हम बात करते हैं मृत्यु दर की, तो मृत्यु दर कितनी है हमारी, हमारे भारत की मतलब, मृत्यु दर है 6.7 प्रति हजार। ये हमारी क्या है, मृत्यु दर है।
ये हमारी क्या है, मृत्यु दर है। ठीक है, अगर हम देखें तो 1000 पे 21 का नया जन्म हो रहा है, और मृत्यु दर की बात करें तो 1000 जन्मों पे 6.7%, मतलब अभी प्रति, मतलब ये आंकड़ा 6.7, मतलब एक आदमी कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये जो परसेंटेज के हिसाब से देखें तो अपन कितनी है, ये 6.7, अगर 10,000 पे देखते हैं तो 67 प्रति 10,000 हो गया। ठीक है ना, अगर ये आंकड़ा अगर आपको 6.7 अटपटा लग रहा है तो 10,000 पे देख लीजिए, इससे 67 हो जाएगा 10,000 पे। ठीक है ना, तो ये हमारी जन्म दर और मृत्यु दर की हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं औसत आयु की हमारी, हम 2011 के आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो औसत आयु जो हमारी है वो अगर हम देखते हैं तो देखिए औसत आयु है हमारी 68 वर्ष 3 माह। ठीक है, ये हमारी औसत आयु है। इसमें बात करें अपन पुरुष और महिला, किसकी बात करें हम, पुरुष और महिला, किसकी बात करें हम, पुरुष व महिला की यदि अगर अपन बात करते हैं तो देखिए पुरुषों की जो आयु है वो कितनी है, 67 वर्ष 3 माह, महिलाओं की जो आयु है वो है 69.9 वर्ष। ठीक है, ये हमारे यहाँ महिलाओं की आयु है, ये हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारे यहाँ पे महिलाओं की आयु है 69.6। ठीक है, जन्म दर है 21 प्रति हज़ार, मृत्यु दर है 6.7 प्रति हज़ार। उसके बाद हम औसत आयु देखें 2011 की जनगणना के हिसाब से, तो 68 वर्ष 3 माह हमारे यहाँ की औसत आयु है कि एक व्यक्ति हमारे यहाँ पे औसतन कितने वर्ष जी लेता है, 68 वर्ष जीता है। पुरुषों की औसत आयु देखें तो 67 वर्ष 3 माह है, महिलाओं की औसत आयु देखें तो 69.6 माह महिलाओं की औसत आयु है। तो ये हमारी 2011 की जनगणना के हिसाब से बता रही हूँ मैं। अगर अपन बात करते हैं कि जनसंख्या का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, तो देखिए अगर हम बात करते हैं जनसंख्या के, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, यहाँ की स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे अपन आगे कुछ तथ्य हैं उनके बारे में बात कर सकें। ले लिया होगा मेरे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट अभी तक, तो स्क्रीनशॉट मेरे हिसाब से आपने अभी तक ले लिया होगा। तो देखते हैं अगर अपन बात करते हैं आगे, अगर हम बात करें कि सबसे पहले जनसंख्या के बारे में सिद्धांत देने वाले कौन थे, किसने सबसे पहले जनसंख्या के बारे में सिद्धांत दिया था। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं, जनसंख्या से संबंधित जो सिद्धांत देने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है, तो देखिए उनका नाम है जनसंख्या का सर्वप्रथम सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया, मालथस ने। जनसंख्या का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया है, मालथस ने। और जनसंख्या के जो जनसंख्या वृद्धि के जो चरण हैं, तीन चरण होते हैं, देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण में क्या होता है, देखिए प्रथम चरण की यदि हम बात करते हैं, जनसंख्या वृद्धि का जो हमारा प्रथम चरण है उसमें क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि के प्रथम चरण में उच्च जन्म दर पाई जाती है और उच्च ही क्या पाई जाती है, मृत्यु दर पाई जाती है। मतलब जन्म लेने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है और मृत्यु होने वाले लोगों की संख्या भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जनसंख्या वृद्धि के प्रथम चरण में क्या होती है, उच्च जन्म दर और वह उच्च मृत्यु दर। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के प्रथम चरण में जन्म दर भी उच्च पाई जाती है और मृत्यु दर भी कैसी पाई जाती है, उच्च पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं द्वितीय चरण में, तो द्वितीय चरण में देखिए, द्वितीय चरण में होता है उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, निम्न मृत्यु दर। ठीक है,
उच्च जन्म दर और निम्न पाई जाती है क्या मृत्यु दर। जनसंख्या वृद्धि का जो द्वितीय चरण होता है इसमें क्या होता है, जन्म दर मतलब जन्म लेने वाले लोगों की संख्या होती है ज़्यादा और मृत्यु होने वाले लोगों की संख्या क्या होती है कम। तो इस द्वितीय चरण में जनसंख्या बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ती है, जो द्वितीय चरण होता है इसमें जनसंख्या क्या होती है बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ती है। अगर हम तीसरी बात करें तो तीसरे में क्या होता है, निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर। अब आप कहेंगे कि ये क्यों बताया मैम ने, देखो इसमें से तो सीधा क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या का सर्वप्रथम सिद्धांत किसने दिया, मालथस ने दिया। अब मैंने आपको ये इसलिए बताया है कि भारत जो है, कई बार आता है कि भारत जनसंख्या वृद्धि के किस चरण में चल रहा है, तो भारत जनसंख्या वृद्धि के द्वितीय चरण में है। भारत जो है वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि के किस चरण में है, तो भारत वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि के द्वितीय चरण में चल रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया है कि जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से चरण होते हैं। मैं आपको सीधा बता देती, जनसंख्या वृद्धि के द्वितीय चरण में रह रहा है तो आपको भी समझ में नहीं आता कि जनसंख्या वृद्धि के द्वितीय चरण का मतलब क्या है। ठीक है, तो भारत की यदि अपन बात करें तो भारत जनसंख्या वृद्धि के कौन से चरण में चल रहा है, तो भारत जनसंख्या वृद्धि के द्वितीय चरण में चल रहा है कि मतलब हमारे भारत में उच्च तो जन्म दर है और मृत्यु दर जो है वो निम्न पाई जाती है। स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के कारण से मृत्यु दर है वो कम हो गई है और जन्म दर है वो अभी भी कैसी है, जन्म दर है हमारी उतनी कम नहीं हो पा रही है जितनी कि हमारी मृत्यु दर को हमने कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ। मैं आपको ये और बताना चाहूंगी कि सिद्धांत कब आया था, तो वैसे पूछते नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, 1798 में आया था। मालथस ने सिद्धांत कब दिया था, 1798 में दिया था। अब अपन बात करते हैं, मेरे हिसाब से आपने देख लिया होगा, अब हम बात करते हैं हमारे अगले चरण में चलते हैं अपन, जनसंख्या के अगले जनगणना में अगली चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, भारत की वर्तमान या नवीन जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी, तो देखिए भारत की वर्तमान यदि हम जनसंख्या नीति की बात करते हैं, भारत की यदि अगर अपन वर्तमान जनसंख्या नीति की यदि बात करें कि भारत की जो वर्तमान जनसंख्या जो नीति है वो कब घोषित की गई थी, तो देखिए जनसंख्या जो हमारी नीति है, वर्तमान जनसंख्या नीति ये कब घोषित की गई है, 15 फरवरी सन 2000 में सीपी ठाकुर के द्वारा। ठीक है, 15 फरवरी सन 2000 को किसके द्वारा घोषित की गई है, सीपी ठाकुर के द्वारा। इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, देखिए अगर अपन बात करते हैं इसके लक्ष्य की, तो इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, इसका लक्ष्य रखा गया है 2000 कब तक के लिए, 2045 तक स्थिरता लाने का रखा गया है। जनसंख्या में 2045 तक क्या लाना रखा गया है, स्थिरता लाने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक के लिए रखा गया है, सन 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता, मतलब जो हमारी जनसंख्या 17.5% की जो वृद्धि दर से बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के बारे में बात है, जनसंख्या में स्थिरता लाने का लक्ष्य। और इसको हमको लगा कि हम इसको 2045 तक तो नहीं कर सकते हैं, तो वर्तमान में इसे संशोधित कर 2010 में इसे क्या कर दिया गया है, 2010 में संशोधित कर ये लक्ष्य कब तक के लिए कर दिया गया है, 2070 तक के लिए कर दिया गया है कि हम 2070 तक जब पहुंचेंगे जब तक तो हमारी जनसंख्या में क्या ला सकते हैं, स्थिरता ला सकते हैं, कि हमारी जो जनसंख्या जिस स्पीड से अभी वर्तमान में बढ़ रही है ना, विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि के हम दूसरे चरण में है, विस्फोटक चरण में है भारत, तो इसको हमने कंट्रोल करने का पहले तो लक्ष्य रखा था 2045 तक, लेकिन अभी वर्तमान जो हमारी जनसंख्या जनगणना आई 2011 की, तो उसमें हमें लगा कि हम नहीं प्राप्त कर सकते, तो 2010 में हमने क्या किया, इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, इसका लक्ष्य हमने 2000 जनसंख्या स्थिरता का वर्तमान में हमने लक्ष्य कितना कर दिया है, 2070 तक हमने लक्ष्य कर दिया है। और आपको पता ही है कि जनसंख्या यदि दिवस की बात करें तो जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस
विश्व जनसंख्या दिवस की यदि अपन बात करते हैं तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, क्योंकि तो आपके दिवस भी पूछे जाते हैं। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो एक बार आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया होगा मेरे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट। अगर हम यहाँ पे जनसंख्या के बारे में एक बात अगर हम और करें, जनसंख्या के बारे में ही एक अगर हम एक बात और करें, मैं आपको बताना चाहती हूँ फैक्ट्स, अगर आपकी इच्छा हो तो आप याद रख लीजिएगा, नहीं तो कोई इतना ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हम जनसंख्या के बारे में एक बात करें कि हमारी जो 12वीं जो बारहवीं जो पंचवर्षीय योजना थी, इसमें हमने जनसंख्या से संबंधित क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए थे, जनसंख्या से संबंधित 12वीं पंचवर्षीय योजना में हमने क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, ठीक है। एक बार इसको मैं आपको बता देती हूँ। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या के संबंध में निर्धारित तथ्य, ठीक है। अपन बात किसकी कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं इस एट प्रेजेंट में 12वीं पंचवर्षीय योजना की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? 12वीं पंचवर्षीय योजना की, ठीक है। तो देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में अगर हम बात करते हैं तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में शिशु मृत्यु दर का जो हमने लक्ष्य रखा है वो कितना रखा है? 40 प्रति 1000, ठीक है। मातृ मृत्यु दर का जो हमने लक्ष्य रखा है, मातृ मृत्यु दर वो रखा है हमने 200 प्रति लाख, ठीक है। और कुल प्रजनन दर का जो हमने लक्ष्य रखा है वो रखा है 2.1। 0 से 6 वर्ष का जो लिंगानुपात है, 0 से 6 वर्ष का जो लिंगानुपात है जो हमारा 940, ये हमने लक्ष्य रखा है। और वर्तमान में हमारा है कितना? वर्तमान में हमारा है 919, ठीक है। ये हमने जो लक्ष्य रखे हैं मैं आपको वो बता रही हूँ, जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं मैं आपको उनके बारे में बता रही हूँ, ठीक है ना। जो भी हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं मैं भी आपको सिर्फ उनके बारे में बता रही हूँ कि जो हमने, जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी उसमें हमने क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए थे, मैं सिर्फ आपको उनके बारे में ही बता रही हूँ कि हमने क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। और किसी चीज़ के बारे में मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना में हमने क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं, मैं इसके बारे में आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये हमने 12वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य निर्धारित किए हैं, ठीक है। और भारत में जो 1 अरबवां बच्चा पैदा हुआ था उसका नाम हमने क्या रखा था? आस्था रखा था। ये तो आपको पता ही होगा कि भारत में जो 1 अरबवां जो बच्चा पैदा हुआ था इसका नाम हमने क्या रखा था? 1 अरबवें शिशु का नाम हमने क्या रखा? तो भारत में 1 अरबवें शिशु का नाम हमने रखा है, क्या रखा है? आस्था। अब एक दो फैक्ट और बता देती हूँ कि भारत में जनसंख्या से संबंधित जो योजनाएं हैं उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ एक दो योजनाएं, और अपन और योजनाएं अपन जब योजना अलग से पढ़ेंगे तब बात करेंगे। मैं भी आपको जनसंख्या से संबंधित जो भी कुछ योजनाएं हैं मैं उनके बारे में भी आपको बता देती हूँ, जो भी जनसंख्या से संबंधित योजनाएं हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि कई बार क्वेश्चन आता है कि जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, लिंगानुपात ये किस पर निकाले जाते हैं? तो ये 1000 पर निकाले जाते हैं। 1000 किस पर निकाले जाते हैं? 1000 प्रति।
प्रति 1000 पर निकाले जाते हैं। किस पर निकाले जाते हैं? प्रति 1000 पर निकाले जाते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जन्म दर कितने पर देखी जाती है, मृत्यु दर, तो प्रति 1000 पर देखी जाती है। किस पर देखी जाती है? प्रति 1000 पर जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, लिंगानुपात है, इन सबको हम किस पे देखते हैं? 1000 पे देखते हैं। ठीक है जी, एक तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम को अनिवार्य रूप से कब अपनाया गया था? तो देखिए, परिवार नियोजन कार्यक्रम को अनिवार्य परिवार नियोजन अनिवार्य परिवार नियोजन कार्यक्रम, तो अनिवार्य परिवार नियोजन कार्यक्रम को यहाँ पे अपनाया गया 1975 में। आपको पता ही है उस समय हमारी कौन सी योजना चल रही थी? वो हमारी चल रही थी कौन सी योजना? पांचवी पंचवर्षीय योजना थी ना हमारी 1974 से 1978 के बीच। तब इंदिरा गांधी ने अनिवार्य परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया था। अनिवार्य परिवार नियोजन कार्यक्रम को इंदिरा गांधी ने लागू किया था कब? जब हमारी कौन सी चल रही थी? 1975 में पांचवी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, उस टाइम की बात है। आगे अगर अपन बात करते हैं में क्या किया गया, इसका नाम बदल दिया गया, और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अगर हम बात करते हैं कि ये तो मैंने कहा कि अनिवार्य परिवार नियोजन कार्यक्रम, अगर भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम वैसे अपनाए कब गए? परिवार नियोजन कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रथम बार कब अपनाया गया? अगर क्वेश्चन ये आता है प्रथम बार, तो प्रथम बार कब अपनाए गए? 1952 में। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रथम बार कब अपनाए गए? तो प्रथम बार कब अपनाए गए थे? 1952 में प्रारंभ किया गया था पहली बार भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को। और अनिवार्य परिवार नियोजन कार्यक्रम कब अपनाए गए? 1975 में अपनाए गए। अगर हम बात करें, अगर अभी परिवार नियोजन कार्यक्रम है तो परिवार नियोजन विभाग, किसकी बात कर रहे हैं हम? अगर परिवार नियोजन कार्यक्रम अगर हमने अपना लिए हैं तो हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे परिवार नियोजन विभाग की भी। यदि अपन बात करते हैं कि भारत में परिवार नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई, तो परिवार नियोजन विभाग की स्थापना की गई 1966 में। कब स्थापना की गई? परिवार नियोजन विभाग की। देखो, दोनों चीज़ों में अंतर है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रथम बार कब अपनाए गए? तो 1952 में अपनाए गए। अनिवार्य परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू किए गए? परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में अपनाए गए। परिवार नियोजन विभाग की स्थापना 1966 में कर दी। अनिवार्य परिवार नियोजन कार्यक्रम कब अपनाए गए? अनिवार्य परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाए गए थे 1975 में, इंदिरा गांधी के समय में। इसके बारे में आपको इंसिडेंट पता भी होगा कि इंदिरा गांधी जी ने नसबंदी कार्यक्रम चलाया था बहुत बड़े स्तर पर। ठीक है, तो ये उस समय की बात कर रहे हैं। तो ये तीनों फैक्ट हैं, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में अनिवार्य परिवार नियोजन कार्यक्रम कब अपनाए गए थे, तो 1975 में अपनाए गए थे। उस समय हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना हमारी रनिंग में थी। ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। मैं जहाँ तक समझती हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया हो, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं आया जो कोई समझने लायक ना हो, क्योंकि जनसंख्या में तो ऐसा कुछ है भी नहीं कि जो कोई समझने लायक चीज़ ना हो। सब कुछ समझने लायक ही है, ऐसा कुछ था नहीं जनसंख्या में कि जो समझ में ना आए। ठीक है, तो अगर अपन आगे बात करते हैं तो देखिए, अगर हम आगे बात करें कि हमारे यहाँ पर जनसंख्या के लिए अभी वर्तमान में जो हमारा विपरीत लिंगानुपात है, इसके लिए कोई योजना चलाई जा रही है क्या? तो देखो, मैं आपको बता देती हूँ, अभी मैं आपको एक योजना के बारे में बता देती हूँ जनसंख्या के लिए, जो भी वर्तमान में जो हमारी योजना चलाई जा रही है। वर्तमान में हमें कौन सी योजना चलाई है? तो देखिए, वर्तमान में जो हमारे यहाँ पे विपरीत जो हमारा लिंगानुपात है उसको कंट्रोल करने के लिए एक योजना चलाई जा रही है, बहुत बड़ी योजना है। और वो योजना कौन सी है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन सी योजना है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। चलिए बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। कब शुरू की गई थी ये?
22 फरवरी 2015 को शुरू की गई थी। कहाँ से? जहाँ पर लिंगानुपात सबसे कम है, हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई थी। राजस्थान की 14 जिले इसमें शामिल, टोटल अगर जिले करें, भारत के कुल 161 जिले, ठीक है, राजस्थान के 14 जिले। और इस योजना से जो राजस्थान है उसके जो 9 जिले हैं उनमें लिंगानुपात में वृद्धि हुई, राजस्थान के 9 जिलों में लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, ठीक है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में आपको पता है राजस्थान के झुंझुनू जो जिले हैं उसको अवार्ड दिया गया है, नारी शक्ति सम्मान दिया गया है झुंझुनू जिले को, लिंगानुपात को पक्ष में लाने के लिए जो राजस्थान का झुंझुनू जिला है उसको अवार्ड भी दिया गया है। इसके द्वितीय चरण की शुरुआत की गई थी 9 मार्च 2018 से, इसके द्वितीय चरण की शुरुआत की गई थी 9 मार्च 2018 से। दूसरा चरण इसका शुरू कर दिया गया है 9 मार्च 2018 से, इसके द्वितीय चरण की क्या कर दी गई है, शुरुआत कर दी गई है, ठीक है। तो ये हमारे जनसंख्या से संबंधित जितने भी फैक्ट्स थे, जो भी फैक्ट्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं। और अब अपन जो भी योजनाएँ हैं जितनी भी, जो कंप्लीट भारत सरकार की जो विभिन्न योजनाएँ हैं उनके बारे में अपन एक साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर जो भी जनसंख्या से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जनसंख्या नीति पहली बार कब घोषित हुई, अंतिम बार अभी हमारी वर्तमान की जनसंख्या नीति कौन सी है, परिवार नियोजन कार्यक्रम, परिवार नियोजन विभाग, मैंने सबके बारे में आपको बता दिया है। सिद्धांत, जनसंख्या का सिद्धांत, भारत अभी जनसंख्या के, जनसंख्या विस्फोट के कौन से चरण में चल रहा है, तो भारत जनसंख्या विस्फोट के द्वितीय चरण में चल रहा है। इसको ध्यान रखिएगा कि भारत वर्तमान में जनसंख्या विस्फोट के दूसरे चरण में चल रहा है। दूसरे चरण का मतलब हो गया कि हमारे यहाँ पे जो जन्म दर है वो उच्च बनी हुई है और मृत्यु दर है वो स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के कारण मृत्यु दर में क्या आ गई है, कमी आ गई है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कितने दिन के काउंट किया, देखो मातृ मृत्यु दर होती है प्रसव के 42 दिन बाद की अवधि में अगर किसी माता की मृत्यु हो जाती है तो उसे हम किस में काउंट करते हैं, मातृ मृत्यु दर में हम काउंट करेंगे। प्रसव के कितने दिन बाद, 42 दिन बाद यदि किसी माता की मृत्यु हो जाती है तो उसे किस में काउंट किया जाता है, मातृ मृत्यु दर में काउंट किया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं। तो जनसंख्या से संबंधित जो भी फैक्ट थे मैंने आपको सारे प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। तो ये जो अपना जनसंख्या वाला टॉपिक है अपन इसको यहीं समाप्त करते हैं। एक हमारा एक छोटा सा टॉपिक और है जिसका नाम है वित्त आयोग, क्योंकि अभी जो हमारी ये क्लास है इसमें हम एक छोटा टॉपिक ही कर पाएंगे क्योंकि आधा टाइम तो हमारा जनसंख्या सिद्धांत, जनसंख्या जनगणना जो हमारी 2011 है उसने ले लिया है। तो हम सिर्फ किसके बारे में बात कर पाएंगे, हम सिर्फ बात कर पाएंगे, छोटा सा टॉपिक है हमारा अभी वित्त आयोग। वित्त आयोग के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो देखिए वित्त आयोग की अगर अपन बात करें कि जो भारत है उसमें वित्त आयोग का इतने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर अपन आगे बात करते हैं वित्त आयोग वगैरह के बारे में। देखो वित्त आयोग के गठन की यदि अपन बात करते हैं तो भारत में जो वित्त आयोग का गठन है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है, आपको कुछ नॉलेज है क्या इसके बारे में? तो देखिए भारत में वित्त आयोग के बारे में जो भी प्रावधान किया गया है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है, वित्त आयोग, सबसे पहले हम गठन देखते हैं। तो गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 280 में, इसके क्या है गठन का प्रावधान है, इसके गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, तो इसके गठन का प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में है, गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 280 में, इसके गठन का प्रावधान है जिसमें लिखा गया है कि क्या होगा, भारत का राष्ट्रपति है वो क्या करेगा, प्रत्येक 5 वर्ष या उससे अधिक या कम जब भी, मतलब जितने टाइम के लिए बनेगा, प्रत्येक 5 वर्ष में किसका गठन करेगा, वित्त आयोग का गठन करेगा। किसके द्वारा गठन किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा, जिसमें एक तो होगा अध्यक्ष और 4 इसमें क्या होंगे, सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष होगा और 4 इसमें क्या होंगे, सदस्य होंगे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अपन बात करते हैं, तो देखिए कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान, तो गठन किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा, कितने वर्ष में, प्रत्येक
पांच वर्ष में गठन किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? इसका गठन करने का प्रावधान किसके द्वारा है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वित्त आयोग है जो कार्य क्या क्या करेगा। ठीक है, वित्त आयोग वर्तमान में वित्त आयोग अगर बात करें कि वित्त आयोग क्या क्या कार्य करेगा, तो देखिए अगर अपन बात करते हैं वर्तमान में इसके सदस्यों की बात कर लेते हैं, तो देखिए वित्त आयोग जो होता है इसमें कितने सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में यदि हम बात करते हैं तो वित्त आयोग में सदस्य होता है 1+4। ठीक है, मतलब एक का मतलब हो गया अध्यक्ष प्लस ये चार इसके क्या होंगे? सदस्य होंगे। ठीक है, चार इसके क्या होंगे? सदस्य। अब अपन बात करते हैं इसके कार्यों की कि वित्त आयोग के कार्य क्या क्या कार्य होंगे वित्त आयोग के। तो सबसे पहले देखिए केंद्र में राज्यों के बीच क्या करेगा? करों का विभाजन करेगा कि कौन से कर हैं जो केंद्र सरकार के अंडर में आएंगे, कौन से कर हैं वो राज्य सरकार के अंडर में आएंगे। ठीक है ना, कि कौन से कर हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाएंगे और कौन से कर हैं वो राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाएंगे। सबसे पहला काम तो ये करेगा। उसके बाद क्या करेगा? जो केंद्रीय कर हैं, मतलब कि केंद्र सरकार द्वारा जो कर लगाए जा रहे हैं, केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी का क्या करेगा? निर्धारण करेगा। ठीक है, कि जो कर हैं, जो कर लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा जो भी केंद्रीय शुल्क लगाए जा रहे हैं उसमें राज्यों का कितना प्रतिशत होगा, सबसे पहला काम करेगा। कौन से कर तो केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, कौन से कर राज्य सरकार के अंडर में आते हैं, ये इसका पहला काम है। दूसरा काम होगा केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी का निर्धारण करना कि जो सरकार के द्वारा जो कर लगाए जा रहे हैं उसमें यदि हम देखें तो उसमें केंद्र सरकार द्वारा जो कर लगाए जाते हैं उसमें राज्य सरकार का कितना हिस्सा होगा, इसके बारे में अपन बात कर, ये वित्त आयोग ही निर्णय लेता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को कितना अनुदान दिया जाएगा, इसकी सिफारिश करना। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के अनुदानों की सिफारिश करना कि केंद्र सरकार द्वारा जो भी अनुदान दिए जाएंगे राज्यों को। यहाँ तक आपको बोर्ड दिख पा रहा है? बोर्ड दिखाई दे रहा है? चौथा कार्य मैं यहाँ लिख देती हूँ, केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले ऋणों की सिफारिश करना। ठीक है, ये इसका काम होगा। तो ध्यान रखिएगा वित्त आयोग है, वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है। ठीक है, इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रत्येक पांच वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है। इसमें एक सदस्य, एक अध्यक्ष व चार क्या होते हैं इसमें? सदस्य होते हैं। उसके बाद यदि अगर हम आगे बात करें कि वित्त आयोग का कार्य क्या होता है, तो देख सबसे पहला काम होता है इसका केंद्र व राज्यों के बीच क्या करता है? करों का विभाजन करता है। केंद्र सरकार द्वारा जो कर लगाए जाते हैं उसमें क्या करता है? राज्यों की हिस्सेदारियों को सुनिश्चित करता है। तीसरा कार्य होता है इसका कि केंद्र द्वारा जो अनुदान दिया जा रहा है उसमें राज्य की क्या करना? सिफारिश करना। और चौथा कार्य होता है केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले ऋणों की क्या करना? सिफारिश करना। ये इसके क्या होते हैं? विभिन्न कार्य होते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट बनता है, इसमें से भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे अपन आगे बात करें। यहाँ तक हो गया, चलिए आगे बात करते हैं अपन। आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, मेरे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद। अपन अब बात करते हैं कि भारत में अभी तक कितने वित्त आयोग बन चुके हैं, पहला वित्त आयोग कब बना था, कार्यकाल इसका कब से कब तक था। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं
प्रथम वित्त आयोग गठन इसका किया गया था 1951 में। 1951 में इसका कार्यकाल जो था, कार्यकाल इसका था वो था 1952 से लेके 1957 के मध्य, ये इसका क्या था कार्यकाल था। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, केसी नियोगी। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी। ये भारत के प्रथम वित्त आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, गठन कर दिया गया था 1951 में, 5 वर्ष के लिए होता है, 1952 से लेकर 1957 तक। अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी। एक तो क्वेश्चन इसमें से आ जाता है कि भारत का प्रथम वित्त आयोग कब बनाया गया था, कौन अध्यक्ष थे। अब हम बात करते हैं वर्तमान में जो हमारे आयोग है 14वां और 15वां, इसके बारे में अगर अपन बात करते हैं तो देखिए, अगर हम देखें तो वर्तमान में जो हमारा वित्त आयोग चल रहा है एट प्रेजेंट, अगर हम बात करें कि अभी जो हमारा वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है, मैं इसके बारे में आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहूँगी 14वें वित्त आयोग के बारे में कि 14 जो वित्त आयोग है अगर हम बात करें तो इसके कौन तो अध्यक्ष हैं और कब से कब तक किसकी अवधि है। तो ठीक है, अपन बात करते हैं। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे हिसाब से, वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है 14वां। ठीक है, अवधि कब से कब तक से है, अवधि है इसकी 2015 से 20 तक के लिए। इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हैं YB रेड्डी। इसके क्या हैं, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। कौन अध्यक्ष हैं इसके वर्तमान में, तो वर्तमान के में इसके अध्यक्ष कौन हैं, YB रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इस आयोग में 14 वित्त आयोग केंद्र व राज्यों के बीच कर का निर्धारण, तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो अगर अपन बात करें कि 14 वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी कितनी कर दी गई है, 14 वित्त आयोग में 14 वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 42% कर दी गई है। ठीक है ना, 42% कर दी गई है। ठीक है, 32% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 42% कर दी गई है। ठीक है, कितनी कर दी गई है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब अपन बात करते हैं अभी वर्तमान में जिसमें से क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेज हैं, अपन बात करते हैं अपने 15वें वित्त आयोग की। सबसे अपन बात करते हैं किसकी, 15वें वित्त आयोग की। तो देखिए 15वां वित्त आयोग, बोर्ड दिख रहा है क्या आपको यहाँ, 15वां वित्त आयोग गठन की यदि बात करते हैं, इसका गठन कब किया गया, तो 17 नवंबर 2017 को इसका क्या कर दिया गया है, 17 नवंबर 2017 को हमने इसका क्या कर दिया है, 17 नवंबर 2017 को हमने इसका गठन कर दिया गया है। इसके अध्यक्ष की यदि बात करते हैं, सॉरी 27 नंद किशोर सिंह, ठीक है ना, जिसको आप बोलते हो NK सिंह, ये इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। और ये कब से कब तक के लिए है, ये जो वित्त आयोग है 15वां वित्त आयोग कब से कब तक के लिए है, 2020 से 2025 तक के लिए है। इसके सदस्यों की यदि बात करें, इसमें कौन कितने सदस्य होंगे, तो सदस्य 4 सदस्य होंगे। वो 4 सदस्य कौन कौन से होंगे, तो देखिए 4 सदस्य कौन कौन से होंगे, एक तो हमारे शशिकांत दास, आपको पता ही है ये आरबीआई के वर्तमान में क्या है, गवर्नर है ये एट प्रेजेंट में। ठीक है, आपको पता ही है। उसके अलावा अगर देखें तो हम अशोक लहाड़ी, रमेश चंद्र, अनूप सिंह, अशोक लहाड़ी हैं, रमेश चंद्र हैं और अनूप सिंह, ये हमारे 15वें वित्त आयोग के क्या हैं, सदस्य हैं। ठीक है,
तो वर्तमान में जो वित्तायोग चल रहा है इसको ध्यान रखिएगा, वर्तमान में कौन सा वित्तायोग चल रहा है, 14 वित्तायोग चल रहा है, कब से कब तक के लिए है, 2015 से 20 तक के लिए, अध्यक्ष इसके कौन है, वाई बी रेड्डी, 14 वित्तायोग में जो करों की सिफारिश है वो कितनी कर दी गई, 32% से बढ़ाकर 42% कर दी गई है, वर्तमान में जो अब नया वित्तायोग है वो 15वां है, इसकी सिफारिश कब से कब तक है, 2020 से 25 तक के लिए है, गठन 2017 में कर दिया गया है, अध्यक्ष है एनके सिंह, सदस्य हैं शशिकांत दास, अशोक लाहड़ी, रमेश चंद्र, अनीत सिंह। थैंक यू, अगर वीडियो पसंद आता है इसको लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।